सवाले की गुरबाणी पढ़ते हुए संत यह सवाल रखती है कि मन नहीं लगता, यह की कारण है कि मन कि लगना चाहिए बाणी पढ़ते हुए। पहली गल तो साथ संगत जी के ये आम करके सवाल साड़ी सिख कौम बहुत वड्डा ते इन्हें बहुत गलत तरीके प्रचारा जा रहा मन टिकन बारे। जो असी सतगुर की बाणी में पढ़ते हैं तो मैं समझदा कि जवाब सतगुर ने बाणी में बड़े सोहने तरीके बख्शिश किया है। जिवें कुंभे बद्धा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए। आम करके तुसीं वेख्या होगा कि जो बंदा सवेरे उठ के पेपर पढ़ता है हमेशा खबर भी वह पढ़ता जी उन्हें समझ में आती है, तो बंदा दो चार दस दिन बाद भी देंदा ना दस के दस दिंदा है कि फलाने दिन फलानी अखबार के फलाने पेज से आह खबर आई सी, क्योंकि उन्हें समझ आ रही थी। अज मनुख बाणी पढ़ रहा पर बाणी की समझ नहीं आई, इस तक सी बाणी को समझ की गल रही। गल मन टिकन की जरा गुरमत में मन टिकन का अर्थ यह है कि जदों मनुख गुरमत को समझ लवे, मान लो बैंक मैनेजर है वो बैंक में सर्विस करे, उस वक्त जो वो कोई गलत तरीके रिश्वत देन आता है उसकी नौकरी तो वध के वो दूजी दो नंबर की कमाई वास्ते कोई साधन बनता है, उस वक्त सुचेत हो के बाणी से पहरा दे के भी गुर मेरे संग सदाए नाले जा हक पराया नानका सूरस गाए इस प्रमाण चेते कर ले, तो मन टिकना। जिवें असी किसी ना विहार करते हैं करमन मेरे सत विहार भाव साढ़े विहार गुरबाणी की विचार ना आए तो असी बैठ के मन टिकाई भी जाइए तो मन टिकना नहीं है, भाव के उठ तो बैठ तो सोवत त्याईए भाव उठद बहद सुनद जागद साडा विहार गुरु की सिक्ख्या अनुसार हो असल मन टिकना। अज की हो रहा कि बंदा बेईमानी ठगी रिश्वत सारा माड़े काम करी जा रहा, वेला बैठ के कोई उन्होंने कहता कि इतने नक् के उपर ध्यान रख, कोई मत्थे ध्यान रखाने कोई फोटो बना के कहता भी उसे ध्यान टका, यो जो ध्यान टिकाने दूजे मतों के ख्याल हो सकते हैं। गुरमत के मुताबिक गुरु की बाणी मुताबिक सब तो वड्डी सिक्ख्या श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सतगुरु गुर कहया मान साच निधान, गुरु की गल में मनना ही असल सच्चा निधान है सच्चा खजाना वा, गुरु की गल में अपने जीवन के धारण करना ही असल गुरु की असली विचार है जी अपने जीवन के लैके आनी है। तो जे अज साढ़े मन में ख्याल पाया गया कोई मूर्ति का ख्याल कोई फोटो का ख्याल कोई आ नक् तो उपर दो अखा के सामने कहता ध्यान टकाओ जी इतने ध्यान टकाओगे तो जोड़ा वा वो अनंत नाद वजेगा तो अंदर कई प्रांत तरह के जोड़े विचार जोड़े आ पाप जिससे सुन अवस्था जिससे फुरने मुक जा आम करके इदा की गल हो रही। असल योगमत के ख्याल से जो असं गुरमत की गल पढ़ते हैं तो गुरमत की बाणी कहती है भी जो बंदे का मन बाहर भड़कता है तो मन को टिकाने का एको तरीका है धावत वर्जन हाई है सतगुर मिले दा जो गुरु का ज्ञान मिलता है तो बाहर धोदा होया मन जोड़ा है निज घर आके टेलों चार चर है सहज धुन ला गया घर ही परचा पाई है जिहड़ा बंदे दे जीवन दे विच चंगियां विचारां दा झरना चल पैंदा निचार झर है विचारदार ते झरना निचार झर है सहज धुन ला गया घर ही परचा पाई है परचे दा अर्थ परिचय जदों मनुख दी चंगे गुणा नाल जाण पछाण हो जाए ते अपने जीवन च गुरु की मत लैवे इहो ही असल दे विच मन टिकना है जो गुरु की बाणी मुताबक है। बेनती है कि जे वीर जी होणी स्टेज ते आ जांदी असल है तो मनमत है जी, पर सब तो पहरा देने की लड़ मैं समझदा गुरद्वारा साहब के ग्रंथी भाई साहब न उस तो बाद आती है गुरद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी। मैं कई भी महसूस करना भाई साहब नालों भी पहले नंबर से गुरद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी आती है, क्योंकि जो प्रबंधक कमेटी को ज्ञान होगा तो गुरद्वारा साहब भाई रखने वक्त वो इंटरव्यू लैनगे कि भाई आ अकाल तख्त की मर्यादा आ गुरबाणी का ज्ञान है, जे तुसी इस मुताबक सही बैठते हो तो उन्होंने इंटरव्यू लैणगे विचार चर्चा करनगे। अज की हो रहा कि जिथे अपने कमी है जिदा के भाई अंदर सोच है कई जगह तो गुरद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी जी है वह भी सियानी होंगी है भाई भी सियाना होंगे पर संगतों का प्रैशर होंगे
उत्थे फिर कई बार प्रबंधकों में चुकाती मजबूरी मैं दसन लगा कि बनती है। मान लो भी संगत में एक स्रोता जिहड़ा लखा रुपया गुरुद्वारे को कोई अपने वालों सेवा दिंदा तो जे उन्होंने घर दादे का श्राद्ध आ गया तो भाई साहब उन्होंने घर ना आ गए तो फिर प्रबंधकों हों भी दो तीन लाख साढ़े हथों जाना फिर कहें भाई साहब कोई नहीं कभी कभी जा लिया करो कोई गल नहीं मतलब उत्थे पैसा वेख के कितने कितने प्रबंधकों के अंदरों भी तो भाई साहब के अंदरों भी गुरमत खंभ ला के उठ जाती है। वैसे बाणी कहती जीवित पितर ना माने को नूए श्राद्ध करा ही पितर भी बपरे कहो कि पावे कौआ कुकर खाए बाणी में सानू दसिया कि जीवे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए है मगर ये जरा भेजने वाला सिलसिला वा ये विप्रदी तो ब्राह्मणवाद का गुरमत नहीं है। असल गल यह भी बाणी गुरमूर्त गुर शब्द की गल जी आई है जानू बार बार गुरु शब्द ज्ञान लैन की लड़ है। मैं समझा साढ़े ना तो मखी आ भौरा ही किन्ना सियाना तुम ना असली फुलों के नकली फुल रख दो तो भौरा कभी भी नकली फुल के उपर जाके नहीं बहुत असली फुल तो बहुत उन्होंने नहीं पता भी सुगंधी ये नहीं आनी तो मखी जी ना वो सामने तुम नकली जलेबी पेपर भी परवाह के रख दो भी नहीं बैठती उन्होंने पता भी इस मिठा कि जलेबी असली जलेबी का मिठा वा बाकी पेपर से वही आनी है। असं जो अज गुरु पातशाह का स्वरूप बना के बैठे हैं असल च गुरु साहब का असली स्वरूप नहीं है गुरबाणी मुताबक फोटो नहीं है क्योंकि जेड़ा गलों का गुरमत ने खंडन किया जिमें कबीर मेरी सिमरन की सिमरनी दसना उपर राम जुरबाणी चाहता कबीर जपनी काठ की क्या दिखला मैं लोह हिर दे राम ने चेती ये जपनी क्या हो आदिक इदा के प्रमाण गुरबाणी में माला का विरोध वाले आ एक भी गुरु पातशाह की तुम तस्वीर अजोके समय च वेख लो जी माला तो बिना हो फिर गड़व्या का विरोध किया सतगुर की बाणी ने तो थानू गुरु साहब के लागे भी गड़वे पे मिलेंगे फ्रूट पे मिलेंगे तुम देखो फोटो कि सहूलत बनाई बंदे ने एक बन्ने बालाजी ने बिठाता गुरु नानक साहब की फोटो से एक बन्ने बालाजी भाई मरदाना जी ने बिठाता लागे फ्रूट पिया गड़वा पिया हूँ असल फोटो प्रचलित कीतियां भी जो बाबे को मिलने जाओ तो फ्रूट लेके जाओ तो घर खाने मिले या ना मिले पर जो तुम डेरिया जाना भाई साहब में मिल जाना तो फ्रूट लेके जरूर जाना तो ही तुम देखिए भी डेरिया में आम फ्रूट जोड़ा आम चढ़ा तो की गुरु साहब वाले फ्रूट गुरु साहब चढ़ा होगा यह गल आप भाई गुरदास में पूछते हैं। भाई गुरदास जी कहते रेत आक आहार का रोड़ा की गुर करी विछाई गुरु साहब जी ने पता नहीं किन्ना किन्ना हालातों में विचरना पाया यह तस्वीर गुरु पातशाह की किसी ने नहीं बनाई भी किन्ना हालातों में गुरु साहब ने प्रचार किया मुकदी गल इतने है विचार भावें आप लंबे करिए पर संखेप रखने क्योंकि होर भी सवाल तुहाडे वल्लों आ सकदे आ मूर्ति पूजनी फोटो पूजनिया ये गुरमत नहीं मनमत है बकायदा सिख रहत मर्यादा में भी लिखा है तो गुरबाणी ने सानू इस गल की मनाही करती है। हाँ जी सब तो पहली गल तो यह है कि जो गुरबाणी मुताबिक जल की गल की जाती है कि जल के मजन जेगा ढोवे नित मुंड घुमावे तो वह अर्थ यह नहीं भी बंगला साहब का जल में चुड़िया जाता तो दरबार साहब के जल की गल आ जाती है ज किसी होर सरोवर में जल की गल आ जाती है जो गल जल्दी आ गई उस सारे के बराबर आ जाएगी जल के मजन जेगा ढोवे नित मिंड घुमावे तो आप जी याद होगा मैं अज तो सत्त महीने पहला पाती तुरे मल में पाती पाती जीव के जो अर्थ भी किए सन तेज कोई उन्हें सुने नहीं होगी तो यह गल कही थी भी अज शब्द भी गुरु की हजूरी पढ़िया जाता तो साढ़े सिख शायद अज गुरु की बाणी दंगियां चढ़ा रहे हैं कि भगत कबीर जी थोड़ी गल पंडित मन गए शायद भी फुल असी मूर्तियां नहीं चढ़ाते पर असी चढ़ा रहे हैं प्रचारक एक डॉक्टर की तरह होंगे जोड़ा दवाई दस सकता पर डॉक्टर जबरदस्ती किसी के मूँह दवाई पा नहीं सकता ठीक है जी डॉक्टर जोड़ा दवाई दस सकता जबरदस्ती किसी मरीज के मूँह दवाई नहीं पा सकता प्रचारक का फर्ज हों कि हर गल में बोलना मनना ना मनना होना इतने मान लो कोई मनमत हो रही हो गुरुद्वारे जोत जाग रही हो सिर्फ बोल सकते हैं मान लो असं जबरदस्ती चकवा भी जाइए तो साढ़े इतों 10 किलोमीटर दूर जाने तो बाद फिर जवा लेंगे मकसद यह कि सिर्फ प्रचारक अपनी विचार गुरबाणी दस सकता मनना ना मनना यह संगत की मर्जी होंगी है मनता उदों आ जदों उन्हें आप नूं पता लग जाए कि वाकया यह कोई साड़ी विचार नहीं यह गुरमत है जदों गल जल्दी आती है तो उत्थे बंगला साहब जिहड़ा जल तां उदों भी गल बराबर ही आती है
ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਣ ਆਪੇ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਸਾਲ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਵਪਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੋਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਥੋਪੇ, ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਲੋਹਣੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏ, ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੰਨਣੇ ਨਾ ਮੰਨਣੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰਨੀ ਜਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਕੈਲੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੈਂਡਰ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇਵਾਲ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ, ਸਕਾਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ 2003 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਮਰ ਵੇਲ ਛਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਸਰੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਅੱਧੀਆਂ ਈਸਵੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਧੀਆਂ ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਲੰਡਰ ਏਕਾ ਤਰੀਕਾਂ ਉਹ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਜੋ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਸਕਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਇਵੇਂ ਮਨਾਓ। ਜੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਕੰਧਾਂ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ? ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੈਲੰਡਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਤਰੀਕ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਣਾ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ, ਆਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਬਖੇੜਾ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਡਿਸਪਰਿਨ ਜਾਂ ਕਰੋਸਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪਿਆ ਉਹ ਖਾ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਕੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਾਰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਠੀਕ ਕਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਫੋਨ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰਦਾ।
आज छेती आप कैलेंडर बना भी आप कैलेंडर बना जिहड़ा बरसा लैके बाहर खड़ा आओ सेवादार जी तुम्हें भी आ जाओ मीटिंग दे विच आपां कैलेंडर बनाउणा। कैलेंडर बनाउणे इन्हां बंदियां दे वस दा रोग नहीं है। डॉक्टर दा काम आ मरीज़ नूं दवाई देनी, पेंशनां वाले दा काम आ साइकिल नूं ठीक करना, मकैनिक दा काम आ कार ठीक करनी, प्रिंसीपल दा काम आ स्कूल नूं मैनेज करना ते विद्या देनी। जे असीं एक दा काम दूजे नूं देंगे तो वह ठीक नहीं कर सकूगा। जिहड़ा काम स्कालर ने करना, विद्वान ने करना, वह विद्वान नहीं करना, उन्हों कोई माला पहनने वाला नहीं कर सकता। 20-25 साल उस बंदे ने लाइब्रेरिया च बह के देशों विदेशों विचर के समय के हिसाब न कैलेंडर पुराने ग्रंथा तरीकों वाच के वह कैलेंडर सानू बना के दिता। असी वो थोड़ी बहुत जी रही सी कमी वह क्ढनी सी पर असी तो उन्होंने उका ही बर्बाद कर लिया। तो कैलेंडर असी उन्होंने हाथों से दे रहे हैं बनाने वास्ते जिन्हों सवेरे उठद्यान उन्होंने पीए दसदे प्रधान साहब अज इन्नी तरीक है अज आप इतने जाना जे जिन्हों भी नहीं पता भी अज तरीक ही वह सा 100 साल का कैलेंडर बनाऊ तुम सोच के वेखो। साड़ी अज्ञानता है भी सानू सच झूठ की परख घट आ असी धड़िया च वंडे हुए सानू जेड़ा साडा धड़ा जे गलत गल नू सही कहिंदा ते आपां वी मगर गलत नू सही कह रहे हैं। सो गुरु प्यार वाले असल मुश्किल यह भी साढ़े आगू जेड़े वह बेईमान आ उन्हां नू कख नहीं पता, वह अपनी कुर्सी बचाने वास्ते वेंदे आ जिधर उन्हां नू खैर पै जांदी आ उधर हो जांदे आ। पर मैं एक बेनती करूँगा भी एक कौमी रेड़का कौमी मसला बन गया साढ़े लिए अज यह मजबूरी बन गई है भी असी किहदे हक च खलोई है किहदे विरोध च खलोई है संगत वंडी जाती है। इस करके असी मोटी जी बेनती यह करते हुए भी साध संगत जी गुरपुरब कदों मनाईए, हुण यह मसला नहीं रह गया। गुरपुरब किवें मनाईए हुण यह मसला वा कि गुरपुरब आपां किवें मनाईए। तुसीं दो दिन पहलों मना लो जां मगरों मना लो जे किवें मनाउण दा मसला हल हो गया तो मेरा ख्याल कदों मनाउण वाला रेड़का आपे मुक जाणा। जदों भी मनाओ इन्ने वधिया ढंग नाल मनाओ कि संगत उत्थों कुछ लैके जावे, संगत गुरमत नूं सिखे। आपां इवें बह के बाणी दीआं विचारां करिए। गुरु अर्जन साहब दा शहीदी दिन जिहड़ा वा उह कई थाईं मनाया गया, कई थाईं 16 जून नूं मनाया जाणा। पर हैरानी दी गल आ कि सानू 30-40-60 जिन्हें भी साल हो गए ने गुरपुरब मनाउंदे आ किसी नूं उम्र दे हिसाब नाल सानू पता लगा भी गुरु अर्जन साहब शहीद क्यों होए। अजे तक इस सवाल का हल साडे दिमाग च नहीं आ सके, इहदा मतलब असी मनाया नहीं, इहदा मतलब असी मना नहीं सके। तो सानू इन्हां सवालों के जवाब लभने चाहिए ता कि सानू पता होवे कि साडे गुरु साहब ने शहादत जिहड़ी उह क्यों दित्ती। तो सानू कोशिश करनी चाहिए वादा विवादों तो परे जाके कि आपां गुरपुरब किवें मनाउणा है। हाँ जी अगला सवाल है जी, भैन जी का सवाल है कि कई बार गुरुद्वारे में शनिवार को काले सूर्य का प्रसाद वरताया जाता है। भैन जी कहते हैं कि मैं पता है कि यह गलत गल है कि मैं ये प्रसाद सोलियां का नहीं लेंगी, बाकी प्रसाद जो अपना प्रसाद है वो ले लेंगे है साध संगत जी। ये जी हैगी है कि शनिवार छोलियां का प्रसाद गुरुद्वारे आउंदा वो असल च इवें दी गल आ भी बंदा तो हुंदा था शनि का भगती है, शर्मो शर्मी कई मंदिर नहीं जाते फिर गुरुद्वारे लै आउंदे आ, कई चले जाते जिन्हां नूं मतलब मैं हुण की कह सकदा भी ढीठ होण जिहड़े मेरे अरगे वह कहिंदे आपां नूं कादी परवाह मैनूं कोई की कर दू मैं तो चलिया, चले जाते पगां बन के। पर जिहड़े विचारे समाज की शर्म जिन्हां हुंदी भी मैं मंदिर जावां तां किवें दा लगूं वह सोचदा भी आपां प्रसाद चढ़ाउणा गुरद्वारे चढ़ा देने। पर एक बेनती मेरी है जदों छोलियां दा प्रसाद शनिवार लैके गुरद्वारे आउंदे हो तो डर के मन च शनि दा ही बैठा होया ना, भावें आ ते तुसीं गुरद्वारे ही रहो मन च तो शनि बैठा ना, मन च तो उही डर है ना भी मैं शनिवार लैके जा रहा। दूसरी गल साध संगत जी असी मेरे तो जीवन का पक्का नेम आ भी मैनू कोई नाल 100 रुपया भी देवे ना भी आ 4 दाने छोलियां दे शनिवार ले ला तो मैं नहीं लेंदा, क्योंकि मैं गुरद्वारे आया मैं किसी शनि का प्रसाद लैके खुश नहीं गा। ये जिहड़ी संगत असी सोचते भी प्रसाद आ मैं एक बेनती करूँ भी मना कर दिओ, जिहड़ा भी तुहानू शनिवार गुरद्वारे छोलियां का प्रसाद दिंदा हाथ जोड़ के उन्होंने आखो भी असी ये प्रसाद नहीं लै सकते क्योंकि तुसी शनिवार लैके आए लियाए तो शनि का करके ही होना, लै गुरुद्वारे आए गल वक्री है।
इस करके असी यह प्रसाद नहीं लेना चाहते, तुसी कृपा करो, तुसी छक लो आपके घर जाके छका दो सानू इन्हां गल्लां नाल, यह मन ते बोझ ना रखो। जदों गल सिद्धांत की आ, जदों गल गुरद्वारे की आ, मन ते बोझ कोई नहीं चाहिए। एक बेनती होर करा, दरबार साहब दीआं परिक्रमा च ना महंतां ने मूर्तियां रख दित्तियां सन, साढ़े बजुर्गों ने उत्थों चकवाइया, जे भला वह सोचते भी साढ़े मन ते बोझ आ तो अज साडा दरबार साहब इस रूप च सानू मिलदा, अज उही गल आ। अज मूर्ति शनि की नहीं लिया, बाकी सारा सिस्टम का शनि का चौकी लिया ना आप गुरुद्वारे, बाहरले गुरुद्वारे, बाहरले मुल्कों च कई गुरुद्वारे सानू हाथ जोड़ते प्रबंधक भी भाई साहब इन्नी बेनती जरूर करो, शायद ताड़ी मान लैन भी इतने लोग वेखो बाहरले मुल्कों च आ गए पर आता नाल ही लै आए ने, इतने भी दाला चढ़ाई जाते, असं कितने सुटी इन दाला, इतने आऊँ तो बहर सुट नहीं ना सकते, उत्थे उस वे जुर्माना हो जाता, वह कहें असं इन्नी दाल रखी है कितने, असं फिर दुकाना वेच के आने, फिर ये लोगों के लै प्रबंधक दाला वेची जाते हैं, इन्नी दाल असं कितने खड़ीए की करिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस करके सानू इन आदतों छड़ना चाहिए, कर्मकांड है, शनि की पूजा वा, शनि कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, गुरमत किसी शनि नहीं मानती, यदा कोई डर भय जिहड़ा रखने वाला वह ड्राकल हो सकता, गुरु का सिख नहीं हो सकता। आम करके ना इन तुकों के अर्थ साढ़े समाज में जोड़े खास करके डेरेदार संप्रदायी या ब्राह्मण सोचना संबंधित ने कई बार इंतजार करते हैं कि शायद इतने कोई किसी मास की गल हो रही है। हम गुरु साहब ने बड़े सोहे तरीके ने समझाया कि जो खास करके इस्लाम के नमाज पढ़ी जाती है तो आम करके आदमी को पता होगा कि वह हलाल करते जीवन, तो खून के छिट्टे आम करके सुभाविक है भी जामा उपर कपड़े उपर भी पै सकते हैं। हम गुरु साहब किड्डे सोहने तरीके समझा रहे भी जे रत लगे कपड़े भी जे तो कपड़े में बाहरों खून के छिट्टे पै गए तो जामा हो पलीत, जो रत पीने मानसा तो लगे मानसा आए भी जोड़े मानसा का खून पी रहे पाप दूजे का हक खा रहे जिम्मे मानस खाने करे नमाज, जो रत पीने मानसा तीन कोई निर्मल चीत जे चेतने नमाज का करनी, जे चेतने अल्लाह में याद करना, जिस चेतना वाहगुरु परमेश्वर में याद करना, वह चित जो लिबड़िया होया वो तो दो नंबर की कमाई छुपी हुई है। हम गुरबाणी में सानू किन्ने प्रमाण जोड़े इदा के मिलते, हक भरया नानका उस सूर उस गाए, गुरपीरा माता भरै जा मुरदार ना खाए, अनेक प्रमाण जोड़े सानू गुरबाणी इस तरह के मिलते हैं, जिन्हें कूड बोल मुरदार खाए अवरी समझावन जाए आदिक जो प्रमाण सानू गुरबाणी मिलते हैं। मुख की गल इतनी है कि इतने आ दूजों का हक खाने की गल, गुरु साहब बड़ा सोहना उपदेश बख्शिश कर रहे हैं भी जो कपड़ा मैला हो जाए तो तू भलिया किन्नी सुचमता रखदा, बाहरों किन्ना ध्यान दिना, पर जी सुरत वा जोड़े तेरे अंदर किन्ने माड़े ख्याल आ, किनिया माड़िया सोचा, किन्ने माड़े विचार अपने अंदर लैके आ रहा, तो यह मैं समझा कि थोड़ा जहाँ आपको इस बारे ध्यान देने की जोड़ा असं घर माड़ा स्वरूप लैके जाना हो तो किमें असी घर की साफ सफाई करते हैं, जिस इटा के घर में महाराज सूप ने जाना तो किन्नी सफाई की, पर जिस सुरत रूपी घर में गुरु के उपदेश में टिकाना उत्थे किन्नी गंदगी है, किन्ने माड़े ख्याल आ, किन्नी माड़ी सोच आ, किन्नी माड़िया विचार ने, कभी इन्हों अपनी जिंदगी बाहर करने का यत्न करिए। जिम्मे भगत रविदास जी कहते मेरी संगत कोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटलता, बंदा अपने दिमाग च किन्नी कुटल नीतियां चलता, कभी उन्होंने भी कढ़ने का यत्न करे, कुटो कर्म कुटलता जन्म को भांति राम गुसाइया जी के जीवना मोह ना विसारो मैं जन तेरा मेरी हरो बिपता, भाव के मैं माड़ा सोचदा माड़ा वेखदा माड़े मेरे विचार ने मेरे ते बिपतान पई आ माड़े मेरे ख्याल वा मैं दूजे का हक खाना, कह का भाव जिस सुरत न निरंकार याद करना वह दूजे का हक खा खा के दूजे के घर तबाह कर करके मैली हो चुकी है। सवाल है जी, आम तौर पर गुरबाणी की व्याख्या करते समय कई व्याख्याकार कहते हैं कि जिम्मे गुरबाणी के हुक्मनामे मनने चाहिए, इस तरह रहत मर्यादा हुक्मनामा मनना चाहिए, साध संगत जी हुक्मनामा साढ़े लिए केवल गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी है, होर कोई भी चीज़ जी जी रहत मर्यादा की आप गल करते हैं, सिख रहत मर्यादा साडा एक लॉ है, कानून है, साडा पंथक नियम है, असी सारे सिखा ने एक पंथक नियम मनना है, वह साढ़े वह कोई थोपिया नहीं जाता किसी के उत्ते, वो सारे वास्ते भी जे मान लो इस गुरुद्वारे सोदर का पाठ हो रहा
ਤੇ ਲਾਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਤੇ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਦੋ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੋ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੱਖਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਊ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਤ ਨਾਲ 32 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛਪਵਾ ਕੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣ ਸਕੇ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵਾਂ ਜਾਂ 13ਵਾਂ ਨਹਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਤਕ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਸੂਤਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਖਰੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਵੈਸ ਦੇ ਘਰ ਵੱਖਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕਦੀ ਸੂਤਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਿਤਾੜਿਆ ਵੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕਦੀ ਸੂਤਕ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਪਾਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੂਤਕ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਉਹ ਬਈ ਭੈਣੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੂਤਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਆ ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਕ ਹੈ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੂਤਕ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਪੋਤਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨਾਲੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹੀ ਗਈ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 2 ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਹੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਦਾਦੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਨੋਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਚੀ ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਅੱਛਾ ਪਤੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਲਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਗੋਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਐਲਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਲਵਾ ਦੇਣ ਠੀਕ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੜਾ ਪਾ ਦੇਣ ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ ਮਨ 'ਚ ਸੂਤਕ ਆ ਗਿਆ ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੇ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਧੇ ਜੰਪੁਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਵੇ ਤੇ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਉਸ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਸਰੀਰੇ ਬੂਟੇ ਤੰਗਣਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਆਣਾ ਸੌਵੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਿਆਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ
कई बार इदा की नौबत आती है भी चादर भी नहीं बदलने का मौका मिलता, उतो मुर्दा चुकया तो दबदब उस भैन उस बैड से लटाता, इन्ना मौका नहीं बनता कई बार। अच्छा उस डॉक्टर के हथा में पांच मिनट पहला एक बंदे ने अपने प्राण त्याग आ, बंदे बंदे की डैथ हुई है, उस थाना वह मुड़ के बच्चे जन्म दे रहा, छड़ रहे कमले हम तो कहें डॉक्टर साहब पहला केश स्नान करके आओ, छड़ रहे कमले हम कहें डॉक्टर साहब केश स्नान करके आओ, डॉक्टर कहो केश स्नान कर आना, पर होगा जो बच्चे बच्चा तो बच्चे की माँ की डैथ होगी जिम्मेवार तुम हो गए। हॉस्पिटलों के बैड भी वह हों, बैड सीट भी वह होंगी, डॉक्टर भी वह हों, सवेर तो लेके डॉक्टर के हथा में कई ने डैथ, कई डैथ हुई है, कई बच्चे जन्म लिया, वह सारी दिहाड़ी पर स्नान कर भी रहे, भी एक बंदा मरिया स्नान कर आए, बच्चे ने जन्म लिया फिर बंदा मर गया फिर स्नान कर आए, सारी दिहाड़ी नहाँ धोन जी रो फिरते हो, यह साढ़े मनों के वहम भरमा इन्हों के निकल की जोड़ा। बाणी कहती मन का सूचक लोभ है, जो मन में लोभ टिका है तो समझ लो सूचक हैगा वा, जो लोभ नहीं टिका होया तो फिर सानू यह भरम करने की जरूरत नहीं है, सबों सूचक भरम है, यह सिर्फ भरम वा और इस तो वध के कुछ नहीं है। बाणी कहती आ भी गोहे और लकड़ी अंदर कीड़ा होए, हुण आपां घर दे विच साडे सूचक दोवें पातक दोवें चीज़ां बराबर वरतनियां, गोहा आपां पथिया वा, गोहा पथिया वा उहदे विच कीड़े ने जन्म ले लिया, गोहा सुकिया ते आपां अग बाल दित्ती आ, सूचक पातक निरंतर चल रहे, गोहे और लकड़ी अंदर कीड़ा होए बराबर दोवें चीज़ां चल रही, इस करके सानू इन्हां चीज़ां दा भरम करन दी जरूरत नहीं हैगी। हाँ जी अगला सवाल आ जी, कि कई बार जातां गोतां दे नाम दे उपर बहुत सारिया सुधारवादी संस्थावां बनाईआं जांदीआं ने, भावें कि उह जट्टां नूं लै के होवे, मलकी सिंघां नूं होवे, लुबाणियां नूं होवे, रामगढ़ियां नूं होवे, पुंछियां नूं होवे, कि इह ठीक ने जी जातां गोतां दे आधार ते जिहड़ियां संस्थावां बणदीआं, कि इहदे नाल कोई सुधार हो रिहा है कि जां कोई विगाड़ पैदा होएगा? सत संगत जी, संस्था कोई जथेबंदी जदों कोई होंद विच आउंदी है तो अक्सर वेख्या जाता है उन्हों का जोड़ा प्रोग्राम हों तो सुधारवादी ही हों, जिमें कोई डिस्पेंसरियां चला रहा, कोई प्रचार कर रहा, कोई मेडिकल कैंप ला रहा, यह सारा काम एक चंगा काम है, पर असी समझते हैं भी जोड़ा जात या गोत नाल लिख लेना है अपने आप में एक दायरे च बनने वाली गल आ, भी असी इन्हों की सेवा करा बाकिया की नहीं करा। तो दूसरी गल आ भी सिख धर्म सिख मत गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी तो सिख रहत मर्यादा ये इस गल तो मना ही कर दिया भी असी जात ते गोत नूं हवा देईए, आपां बाणी चो पढ़ते हैं अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सबै कट राम बोलै रामा बोलै राम बिना को बोलै रे, कल माटी कुंजर चींटी भांजन है बौना ना रे। जट दा शरीर भी उन्हां पंजां तत्तां दा बनिया, लुबाणे दा शरीर भी पंजां तत्तां दा बनिया, कोई पुंछ का रहन वाला वह भी शरीर पंजां तत्तां दा बनिया, सब में जोत जोत है, गुरु ग्रंथ साहब जी लिखा भी जोत कली जट च हुंदी आ, सारियां च लिखा ना। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी मुताबक हर एक व्यक्ति हर एक प्राणी सन्मान का हकदार है, जो भी चंगे नेक अमल करता है गुरबाणी उन्हें सत्कार दिंदी है, बल्कि गुरबाणी हर प्राणी मात्र इको जिहा मानती है। दूसरी गल, एक साढ़े चल बड़ी खराबी चल पी आ, वो ये असी जो पुराने सिखा का नाम लेंदे हाँ तो उन्होंने नाम से गुरद्वरे उसारे हाँ, तो उन्होंने नाम से गुरद्वरे उसारण करके भी साढ़े समाज वंडिया पै गई सन। सिंह सभा लहर ने एक काम शुरू किया, उन्होंने गुरद्वार के नाम बदल के ये कर दते सन श्री गुरु सिंह सभा, यदा मतलब सी कि केवल एक किसी बंदे के नाम से गुरद्वारा नहीं रख, हूँ देखो मैं गुरद्वारा बना लव तो मैं वह ना रख लव भी धन्ना जट जी, धन्ना तो लिखा धन्ना तो इस करके लिखा भी वह भी जट जी, उतना तो नहीं ना लिखा भी मेरा धन्ना जी नाल कोई प्यार आ, अगे फिर मोटे अखर च यह लिखा गुरद्वारा भगत धन्ना जट जी। हुण तुसीं आप अंदाजा लाओ भी उत्थे बाकियां नाल किहो जिहा विहार होगा बिना जटा तो, बाकियां नाल तो कोई विहार नहीं ना होना फिर उत्थे चज का, जटा का गुरद्वारा जो हो गया ये रामगढ़िया का गुरद्वारा। गुरद्वारा गुरु ग्रंथ साहब गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा फैलाने लई है, जटवाद रामगढ़ियावाद फैलाने लई नहीं है। असी गुरद्वारे नूं गुरद्वारा रहण दईए तां मैं समझदा इह सब तों वधिया गल आ। गुरद्वारे च जिन्ने भी ऐसे महापुरख होए, एक बेनती मैं होर करदे आ कि भगत धन्ना जी इस करके महान होए कि जट सी, इस करके महान होए कि जां फिर इस करके मान लो कि उन्होंने रब की इबादत रब के गुण जीवन च धारण किए, कि
की भाई मनी सिंह जी इस करके महान सन भी वह राजपूत सन कि जां इस करके महान सन भी वह सिख सन, सिखी करके मान ने ना, जात करके मान नहीं ना होए, गोत करके मान नहीं ना होए, वह महान इस करके होए सारे सिख भी उन्हें गुरु की मत कमाई तो उन्होंने चंगा जीवन जीविया, इस करके जिड़ी चीज़ नाल वह महान बने आप फड़न का यतन करिए, आप उस चीज़ को ग्रहण करन दा यतन करिए, वह गुरु की मत करके महान होए ने, जात गोत बिरादरी करके महान नहीं होए, आप भी गुरु की मत को वड्याउण दा यतन करिए। हाँ जी अगले गुरद्वारे साहब संगत जी सारी संगत अगले गुरद्वारे राग देना गुजारना पा वो पता क्यों क्योंकि इन्हें भाने तुम अगले गुरद्वारे कहा सुनना हो गए। वैसे साहब संगत जी हैरानी की गल आ, यह पहली बार साढ़े ना वापरिया, लोग गायकों को फरमायश करते होंगे फिर रागियों को करन लग पे भी आह शब्द पढ़े, कथा वाहगुरु पहली आ साडे सामने उदाहरण की फरमायश आई हो गल दोबारा सुना दो। बाकी रात विषय के गल सुनावे ना इदा सुनावे तो कई समझ नहीं पैनी, उसमें विषय के चलो गल तो हर एक समझ पैनी है। खुशी हुई सानू जिन्होंने ये सवाल किया जो रागियों को फरमायश आती है तो एक शब्द चौं शब्दों में ही गुरपुर कई कर लेंगे। सात संगत जी केस साढ़े गुरु साहब जी ने सानू साबत सूरत रहन का हुक्म किया है, केसां का सत्कार यह साबत सूरत रहना है, दूसरी गल केसां का अदब उवें साफ सुथरे केसां नू रखना, सोहनी साफ सुथरी दस्तार सजाउणी, तो माइया बीबिया वास्ते बेनती है भी जे केसां का सत्कार करना तो न्याणे नू जूड़े तो फड़ के नहीं कुटना, क्योंकि बच्चे ज्यादा मेरा ख्याल माइया एक गल की जरूरत आ कि जदों न्याणे नू मारना तो केसां तो फड़ के नहीं मारना, उन्हूं यह हीन भावना होंगी है भी यही पुआड़े की जड़ा जदों फड़ती इतों ही फड़ती है, इस करके आपां ये कम मुका ही रही है। बहुते बच्चे इस करके केस जड़े ने कतल करवा देंगे ने, जदों बच्चा थोड़ा जिहा बाहर अंदर जान लगता तो अपने पिता को कहिंदा भी तुसीं मैनूं भी पग बननी सिखाओ दस्तार बननी, पिता जी खास तौर पर कम बोझ समझते भी मैं पग इनू सिखाव मेरे को इन्ना टाइम कितने, उस वेले वह अपने बच्चे उस राह पर तोर देंदा वा जिहड़े राह ते उन्हूं नहीं तोरना चाहिए सी, उन्हूं मुढ़लियां गल्लां जे घर चों माँ जिहड़ी आ जे उन्हें बच्चे झिड़कना तो उन्हूं बाहों फड़ सकती है, उन्हूं होर कई तरीके यूज किए जा सकते हैं, तो केसां का सत्कार यह भी एक तरीके नाल हो सकता, बाकी केस साफ सुथरे रखने सब सूरत रहना यह सब केसां दे सत्कार दे विच ही आउंदा है। हाँ जी सात संगत जी सिखा गुरुद्वारे आना चाहिए भावें मसया होवे संगरांद होवे भावें मसया ना होवे ते भावें मस संगरांद ना होवे, कई बार असं सोचते हैं भी अज संगरांद अज चलीए बाकी 29 दिन आपां नूं चेता नहीं हुंदा भी आपां गुरुद्वारा साहब जाना, क्योंकि साडे दिमाग च गल पाई गई भी संगरांद एक पवित्र दिहाड़ा, संगरांद एक पवित्र की रब ने बाकी 29 दिन अपवित्र बनाए ने, रब ने बाकी 29 दिन जिहड़े उह पवित्र बनाए नहीं, ये ठीक है भी कई बार पुराने समय च कहिंदा गुरुद्वारे दूर दूर हुंदे सी कच्चे हुंदे सी लोकां च पढ़ाई लिखाई नहीं सी कैलेंडर नहीं सी हुंदे, लोकां ने दिन मिथिया सी कि मसिया पूर्णमाशी संगरांद इह भी इदों गुरुद्वारे च दीवान लगदा, लोकां नूं दसण दी लोड़ नहीं सी, उहनां नूं पता सी भी मसिया वाले दिन ना फलाने गुरुद्वारे दीवान लगूगा, दूरों दूरों प्रचारक आउणगे संगत इकट्ठी हुंदी सी, साधन नहीं सी हुंदे, मसां महीने च 2-3 वार गुरुद्वारिआं दे विच इतिहासक गुरुद्वारे हुंदे सी, अज वांग आम गुरुद्वारे नहीं सी हुंदे, इस करके उन्हां समय च साधन सीगा लोगों नूं गुरमत नाल जोड़न दा, अज भी संगत गुरद्वारा साहब आए, बाकी रही गल बाबा श्री चंद के अस्थान की किसी की तो मैं सब ये गल साढ़े चो फिर उही है मुश्किल वाली गल कि हुण बाबा श्री चंद का जिहड़ा रूप साढ़े सामने पेश कर दिता गया वह सिखी वाला नहीं है, जटावा वाला बाबा शरीर ते सुआह मली आ माला पाइया ने, वह एक जोगी जोगी तो भी अगे उदासी ते सन्यासी दी हैसियत विच पेश कीता गया, यह बड़ा गलत है, सानू गुरमत नाल तोड़न वास्ते गुरु घर के विरोधियां ते साजिशियां ने
बाबा श्री चंद का रूप बना के साडे सामने पेश किया है ता कि असी गुरु घर के विचों ही विरोधी पैदा करके उहदे नाल उहनां नूं जोड़ के ते डिवाइड कर दी है सिख संगतां नूं दोवां नूं वंड दी है। गुरु नानक कुछ होर कह रहे हैं, बाबा श्री चंद कुछ होर कह रहे हैं, यह विरोधियों की साजिश सी भी साडे घर च ही पाड़ा पा दिओ। तो मैं समझना तुसी मसिया वाले दिन आओ, गुरुद्वारे को मनाई नहीं, संगरांद वाले दिन आओ, पूर्णमाशी वाले दिन आओ, पर यह सोच के आओ भी उत्थे असी जावांगे, गुरु की बाणी सुणांगे, पाठ करांगे, उत्थे जाके कोई गुरमत की गल, कोई सेवा, यह सारा कुछ असी गुरुद्वारा साहब आके करांगे, ता ही साडा आना सफल है। हाँ जी, सवाल आ रहे जी बीबिया वालों, कई भी ठंडे पाटे की पहल छक के नशिया की वरतों करते हैं, कुछ भैन ही ठंडे पाटे की पहल छक के लम्मा भी बेरमी कर दी वोटी पाल लग जाए, ये ठीक है जी? असल च मैं समझा जी घाट साड़ी विचार जी आ, क्योंकि असं बहुत बड़ी साडा प्रचार इस तरह का हों भी भाई खंड की पहल तैयार वा, गुरु खंडवी पुल छको तो गुरु वाले बनो तो गुरु के जहाजे चढ़ो, इस चीज़ ने साढ़े क्योंकि असी तैयारी की कोई नहीं, तुम किसी भी चीज़ फौज में बंदा 9 महीने ट्रेनिंग करता फिर उन्होंने वर्दी पहनाई जाती है, बकायदा वो ट्रेनिंग हो बच्चे ज्ञान दिता जाए। असी जो असी पुराना इतिहास पढ़ते हैं तो बड़ी प्यारी सिक्ख्या मिलती कि माँ बचपन तो बच्चे इदा की तैयारी करती सी, जिमें केसां नूं संभालना, कड़े पहनाने, आदक कशहरे सेके देना माँ ने, आप केसां नूं किवें सांभना है तैयारी होंदी सी बचपन तो। अज बंदा रात शराब पीता, सवेरे अनाउंसमेंट होंदी है खंडवी पौल छक हुंदा, बहुत वारी जो असीं वेखदे हां ना भाई खान सनाबा जी ने सिक्खी दीआं वी वरायटियां लिखियां भी कोई धंधे की सिक्खी हुंदी है, कोई देखा देखी सिक्खी हुंदी है, बहुत वारी बंदा धंधे की सिक्खी इदां अपनाउंदा भी ये बंदा मेरे नाल बिजनेस करदा, यह मेरे नाल बिजनेस करूगा, यदा मेरे से भरोसा बनूगा, मैंने पहले जरगा बन जाना, जिन्हें बंदे बहुत लीडर अमर छक लेंगे, बहुत ही वही बंदा देखा देखी छकता, जिन्हें एक बंदा कि हाल वेखता कहता उन्होंने घर गरीबी बड़ी, जो जो उन्हें अमर छकया ना उदो उनके घर अमीरी आ गई, उन्होंने वेख के ककार से पाले, पर काम जोड़े वो माड़े जो माड़े रखे, थोड़े चिर बाद फिर ककार ला, तो यह सारी कार साड़ी तैयारी की आ, जे कोई खंड की पौल लैके शराब पीता, खंड की पौल लैके भैं केसा की बेनती कर दी, तो मैं समझा तैयारी की घाट है कि असं तैयारी नहीं प्रॉपर कर सके, डेरेदार की करते हैं कि वह बोल देंगे भाई इन्होंने ही अमर छकाता, बकायदा असी खास करके मिशनी कालजा ने इस गल से बकायदा जोरता कि बच्चों के बचपन तो कैंप लगन, उन्होंने इन्ना को ट्रेनिंग कर दो कि जो बच्चा बच्ची 15-20 साल का हो जाए तो आप खंडे की पौल लैन वाले बने वो आप अंदर भुख लगे, असी करते हैं बंदे की तैयारी कोई नहीं, उन्होंने ककार प्या दें, कितना कि मैं समझा कि साड़ी ये बहुत वड्डी गलती है, सानू आप इहदी तैयारी करनी चाहिए हैगी है मनमतवा खंडे की पौल लैन तो बाद, वैसे केसों की बेदबी भावें खंडे की पौल ली हो ना ली हो वैसे भी साढ़े वास्ते गलत वा, नशे करने कई बार कहता भी वो अमृत छा के नशा पीता जी, नशा तो वैसे भी हर बंदे वास्ते माड़ा, किहड़ा बंदा कहसदा भी नशा साढ़े घर जदों दा आया उदों साढ़े घर च बड़ी जिहड़ी आ तरक्की हुई है, नशा तो जिस परिवार च आया वा परिवार ठान गया वा तरक्कियां वाले बने नहीं गया, तो इस करके अमृतधारी खंडे की पौल वाली ये गल मननी पेगी कि थोड़ी जी दूजे नालों वधेरे जिम्मेवारी बन जाती है, उन्हें आप सुचेत होकर दूजे इन्होंने गलों तो रोकना, तो जे असी बचपन तो अपने बच्चे बच्चों की तैयारी करांगे तो इन जिहड़ियां साढ़े सामने परेशानियां आ रही इन की शायद आने वाले समय से सानू जिहड़ा उन्हां मुसीबतों का सामना ना करना पवे जे असी बचपन तो अपने बच्चों की तैयारी कर लईए। तो पहला गल तो है कि बच्चे माँ का संग ज्यादा प्राप्त होंगे, क्योंकि बच्चा माँ के कोल पलता है, तो भावें माँ सर्विसमैन ही स्कूल टीचर हो भी भावें वो किसी हॉस्पिटल नर्स लगी हो अपने बच्चे देखभाल करनी, भावें बाप के कोल जिन्ना मर्जी बच्चा रहे पर माँ की बाप नाल थोड़ी जी वधेरे जिम्मेवारी बनती है, इतने कोई शक नहीं कि बच्चे संभालने जिते माँ बाप की माँ की जिम्मेवारी उत्थे बाप की भी होनी है, यदा अर्थ यह नहीं भी माँ बेचारी सिक्ख्या दिंदी रहे तो बाप शामा कहे जा पुत गलासी धो गया तो उत्थे माँ बेचारी सिक्ख्या काम नहीं की करेगी, यदा अर्थ समझ लेना भी जो माँ बेचारी सिक्ख्या दे भी जाए तो बाप आप ही कहे जा पुत गलासी लैके आ, जा कहे जा पुत्र लैके आ मेरे हथे शराब की बोतल लैके आ, तो फिर उत्थे बाप में भी सोचना पड़ेगा कि अज बोतल लैन मैं आप घल रहा,
कल नूं जदों मैनूं आप खुद अपने बच्चे नूं बाहरों चौके लिआउणा पिआ उदों पता लगना कि मैं बहुत गलत काम कर बैठा। बच्चे नूं सही सिक्ख्या देण विच मां बाप सारे भाई गुरदास जी का ना एक बहुत प्यारा बचना कहिंदे वी अंधा आगू जेतिए सब साथ महावै। आपां हुण गल शरीर तों शुरू करदे हां, शरीर दा आगू मन वा, जे मन अन्ना होगा तो साडे सारे इंद्रिय जिहड़े आ खूह च पै जाणगे। जे मन अज्ञानी होएगा अखां गलत वेखणगियां, कन्न गलत सुनेगा ते पैर जिहड़े गलत रस्ते तुरनगे। इस तरह साडे शरीर तों बाद परिवार आ गया, परिवार च आगू कौण आ, जां दादा होएगा जां दादी होएगी जां माता होएगी जां पिता होएगा। अंधा आगू जे परिवार के आगू अन्ने होणगे ते पिछे बच्चे बच्चियां पुत्र धी तुरन वाले भी कोई पैड़ां सुभाविक हो जाएगा। इस तों अगे पिंड दा आगू कौण आ, सरपंच होएगा, जो भी आगू आ, वह जे आप किराए पिया होएगा, जे आप शराब दियां भट्ठियां लोगों दियां ठाणियों छुड़वा के लिआउंदा होएगा तो सुभाविक है लोगों को खोल मिलनी है। इस तो अगे चल जाओ, फिर इस तो अगे आउंदा इलाके का MLA MP मुख्यमंत्री जिहड़ा भी आगू। आपां मन तो गल शुरू की, शरीर तो आगू लैके तो पूरी उत्तों तक जाता कि जिहड़ा भी बंदा जिथे भी बैठा उन्हूं अपनी जिम्मेवारी समझण की लोड़ हैगी। हर बंदे की जिम्मेवारी है, कल्ली भैणां की नहीं सारे परिवार की जिम्मेवारी है, ताकि साडा समाज जिहड़ा वा वह सुसज्जा बन सके, जीवन शैली उन्हां दी वधिया हो सके। हाँ जी, बकरे चढ़ाने इस बाबत गुरुद्वारा साहिब विचों आवाजा देना ठीक है जी? सत संगत जी, जिहड़ा ये एक रवाज चल पिया भी लोग जठेरियां दे वड्डे वडेरियां जां किसे खास बाबे दे जां किसे इस तरह इत्थे बकरे चटकाउंदे ने जां उत्थे चढ़ाउंदे ने बली देण वा, इह इह रवाज असल च बलियां देण तों चलिया मंदरां दे विच्चों। ते मैनूं अर्ज कोई नहीं, मैं भी कह दिआं भी आपां हुण नदेड़ हजूर साहिब वेख्या उत्थे भी इही काम चल रिहा कि खाणा ते आप आ ते ना गुरू दा ला दिओ, वी इहदा महाराज ने खाधा जी, मैं थोड़ी खाधा, वेखो वी तुसीं सिद्धे हो के जां तां कहो भी असीं खाणा, तुहानूं कोई रोकदा खा आप रहे आ, ना गुरु का भी गुरु साहब जी नूं असीं उह की करदे आ, उत्थे बकरा वढ के उस वेले उहदी सिरी जी चुक के एक अंदर नूं भज्जा जांदा, वो जाके फिर अंदर जिहड़े शस्त्र पए आ महाराज दे सामने उहनां नूं तिलक लाउंदा, शस्त्रां नूं तिलक ला रहा। यह जिहड़ी रीत आ गई कुरीत, इहनूं मैं कहांगे कुरीती आ गई, मंदरां चों बलियां देण देवी देवतिया सामने बलियां दित्तियां जांदियां सन, उत्थों ये बलियां देण दा रवाज साडे गुरद्वारां च आ गया। उतों हूँ असी आ जिहड़े जठेरे आ जां कई जगह ते शराब चढ़ाई जांदी आ, कई जगह ते इतना बकरे चटकाए जांदे आ, इह जिहड़ी रीत आ असल विच मैं समझदा वी सारे कुहाड़ी दी जड़ तां उह जगह वा जिथे सारा कुछ चढ़ाया जांदा। बकरे दा विचार इहदा कि सूर उहनूं जिधर लै जाऊं उहदे चल जाणा, उहने कीड़ी एमए कीती आ, कसूर तां खड़न वाले दा ना, ते खड़न वाला जा किथे रिहा, मड़ी ते जा रिहा, कबर ते जा रिहा, उह किहनूं खुश करना चाहुंदा, जिहड़ा आप मड़ी च पिया वा जिहड़ा आप कबर च मरिया पिया उहनूं खुश करना, उहने की खुश होना, उहनूं तां जिन्नूं खुश होना ही उहने उदों ही होना, हुण उहदी खुशी का की मतलब आ। तो साढ़े च भरम आ भी इह मरिया कुछ मैनूं देऊगा, इह मरिया मैनूं कुछ देऊ, माटी के कर देवा देवी ते सागै जीओ देही। गुरु साहब कहिंदे लोक ऐसे अज्ञानी आ अपणियां अपणी मिट्टी दे बना के ना भगवान आपे कबरां बनाउंदे आ, आपे मड़ियां बनाउंदे आ, आपे मूर्तियां बनाउंदे, उहदे अगे आप एवें आ मत्थे टेकी जांदे आ। माटी के कर देवा देवी तिस आगै जीओ देही, उहदे अगे समर्पित होण नूं फिरदे वी असीं बड़े तेरे भगत हां। इह सारियां गल्लां जिहड़ियां ने इह गलत ने, मनमत ने, गुरु दे हुकम दी अदूली है, गुरु दे हुकम दी अवग्या है। ऐसियां थावां ते जाणा, उत्थे चढ़ावे चढ़ाउणे, ये बलियां वालियां रीतियां गुरद्वारियां विच लै के आउणियां, ये सारा घोर मनमत आ। ये किधरे भी ना गुरबाणी दे मुताबक, ना इतिहास दे मुताबक, ना सिख रहत मर्यादा दे मुताबक सही है, सारा सिस्टम गलत है। हाँ जी, संगत है जी अपने दिते हुए समागम के समय तो घंटा अद्धा घंटा लेट पहुंचती है, वो पिछले कड़े मुख्य असल दे विच ना गल इह आ कि असीं गुरु दी मत सुनना नहीं चाहते। आपां अज दे समागम तों अंदाजा लगाउंदे हां, असीं साह समझी रात 2 बजे उठे हाँ,
तो सानू उसमें टाइम दिता गया कि 7 बजे समागम आरंभ होना 7:30-8 बजे तो असं मेरे ख्याल सानू इन्नी गड्डी भजानी नहीं चाहिए क्योंकि अं आप ही गलती मानते हैं 120 की स्पीड से अं आए हैं सड़क तो वो लोग कदम की आती 8 बजे पहुँच गए थे पर संगत में सानू डीकना पाया संगत में भी आओ आ जाओ जी आ के 9 मिनटा करनी पी आ जाओ जी आ जाओ तो यहाँ वैसे कल इतने रवाज नहीं है बस बाहर गुरुद्वारा जाइए ना उत्थे कई बार बीबिया घर वाले भी फोन करके दस दें कि गुरुद्वारा साहब आ गया अच्छ कड़ी चौल बन गए तो वो कहते कदों कौना कहते रिंग मिस कॉल मार दू जो ना आनंद पाया मेरी माए पहन लग पे तो असं आम करके धनबाद जाने इधर कलकत्ते जाइए उतने फिर दुकानदार वीर होंगे वो भैन फोन कर दी भी घर जाओ फिर जब करना पैना तो तुम्हें इधर सीधा आ जाओ जो फिर नंसा पढ़ना फिर लाइन लग जानी एक बार फिर आनंद तुम्हें देखे वह नंसा पढ़ना नंसा पढ़द्या पढ़द आनंद पाया मेरी माए संगत लाइन लग जानी अरदास संगतों की वक्री वक्री गिनती हो चुकी ता ही तो देखो कि 6 पौड़ियां जो नंसा दी ना ये हर बंद याद आ क्योंकि जो ये पढ़िया जा रही उदो जो बंद का कभी बाणी वाह नहीं पाया वो गुरुद्वारा साहब पहुँच जाता थोड़ी जी ना अपन बिरती चेंज करने की लड़ आ बहुत ही बारी तो ना 2-3 आ गई जिते अभी उदों वो चारे उदों शब्द पढ़ जाते जो हों कोई नहीं तुम्हें देखो वो चारे 2-3 आ गई जो शब्द पढ़ जाते जहाँ प्रचारक ने उन्होंने लाया होंगे भी तगड़ा आ गया तान उन्होंने कथा सुनाई आ तो बेचारा अपना जोर लग जाता तो मैंने याद है धनबाद की गल आ राजू साहब आसा की वार वास्ते लिया उन्होंने फलवाड़ी का राजू होना से आसा की वार कर लाया वो जो संबोधन कर लगा सुनियो कि संबोधन किया क्योंकि अंदर है कोई नहीं ताबा बैठा वो जोग बना चले गया कहता प्यारियो दरियो छत ना लगे पखियो प्यारे चौर साहब गुरु साहब की पालकी खाली पई कढ़ाई सारे संबोधन करता बोलो आप आसा भी आरंभ कर लो एक बार फतेह बुलाओ वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरू जी की वो कोई सुनता से धनबाद की गल उसे मेन गुरद्वारा किसी ने यार घर शिकायत ला दी भी ताड़ा जो राजू साहब पंजाब तो उन्होंने इदा बोलिया कहता हूँ जेडे अगे बैठे उन्होंने संबोधन करना हूँ तुम घर बैठे ताड़ा जो ना लगा तो आम करके साडे कीर्तन दरबार इदा के होंगे जो पहला जो राजू साहब लिखना उदू कोई नहीं होना जो अखीरला होना उदू भी कोई नहीं होना थोड़ी जी ना सानू सीखने की भावना पंजाब के ना तुम इतने देखा होगा स्कूल के पीरियड 33 मिनट 40 मिनट इन्नी पीरियड होंगे तो बच्चे की कपैसिटी इन्नी के सुन दी साढ़े इतने कोई कपैसिटी शाम को 5 बजे शुरू करना सवेर के 6 बजे तक वो फिर ऐ डिगे आगे कोई इधर डिगा हों कोई इधर डिगा हों सू समागम करने भी भागों वाले आएंगे सू चाहिए कि 2 घंटे का समागम हो तो संगत आन के पेल बैठी होदों काम आरंभ हो तो फिर असं कुछ सीख पावे ये आप गलतियां सुधार लीए ता कि साढ़े बच्चे सोहने बन गए बहुत ही बड़ी तो असं यह देखते हैं भी आप हम जाना कदों जो समाप्ति होने वाली आप उदों पहुंचे साड़ी सोच ही होंगी आ कि जो हम समाप्ति होने वाली आप उदों घरों तुरना है तो इस करके आपने अपन कमियां पेशियां दूर करने की जोड़ा मगरों आन के सीख के आप गुरु की मत धारण जी वो नहीं कर सकते हाँ जी असं बीते समय तो अगे जा रहे हैं जी सिर्फ एक दो सवाल होने छोटे छोटे बेनती करा संखेप जवाब देने कि धार्मिक स्थानों पर बहुत थी सरोवर बने हुए हैं उतों बहुत सारिया संगत चूड़े लैके छकदिया ने बाणी का बड़ा प्यारा वाक है जी पानी चेतना धुपे मुख पीते तिख जाए पानी चेतना धुपे हम मेरा सवाल थोड़े तो पर जी सारे पे बुरे काम साड़ा मन करता कि तन मन हे तन रही पर करवा कौन है अच्छा सारे बुराइया की जड़ मन है ना मन सोधन की लड़ है ना हम बाणी कभी पानी चेतना धुपे पानी साढ़े होर दे साफ नहीं कर सकता ठीक है पानी चेतन तो कोई मुख पीता तिख जाए हाँ पानी प्यास बुझा सकता मन मैला सब कुछ मैला तन धोता मन अच्छा ना हो हम मैला मन वा तो सरोवर के नाल असं तन दियाँ अखा साफ कर सकते हैं पैर साफ कर सकते हैं मूँह साफ कर सकते हैं तो ज्यों ज्यों असं तन धो रहे हैं मन होर मैला होंगे बंदा तीर्थ बरतर दान कर मन में धरे गुमान नानक ने भुल जाते ज्यों कुंचर इशनान इस करके सानू लोड़ इस गल दी आ कि असी अपने मन नू साफ कर ली गुरु दे शब्द दी विचार करिए बाणी च बड़ी प्यारी गल आई है भरी है हाथ पैर तन दे पानी धोता है उतर सिखे मूत पलीती कपड़ो दे साबुन लई है वह धोए यह सारिया चीजा इहदे नाल साफ होणगियां पर भरी है मत पापा के संग वह धोपै ना मैं करा गुरु साहब ने आप ही बाणी का जवाब दिता हो कि पानी साढ़े मन की मैल लाने की ताकत नहीं रखता मन की मैल तो गुरु के विचार ही लिखनी आ करनी सहजना उपजै
कर्मा के नाल बाहरले शरीरक तल के उपर किए हुए कामों के नाल जिंदगी सहज पैदा नहीं होना। तो यह सहज जो जीवन चाहेगा उदो अंदर की मलिनता जी दूर हो सकती है। मन तो वो शब्द लागो हर सो रहो चितलाए, मन शब्द नाल तो बिना जी गल आरंभ चंगी हरजन दसे ने कही सी कि शब्द नाल साडे ख्याल साडी सोच जी वधिया बननी आ, चंगी सोच आ गई तो आपे जीवन खूबसूरत बन गया। हाँ जी सवाल तो होर भी बहुत सारे सन पर एक अकेला सवाल भाई सरजीत सिंह ने बुजुर्ग वालों आया कि जो 70-80 साल की उम्र हो जाती है तो शरीरक क्रियावान के मुश्किल आती है। आम तौर पर कहा जाता है कशहरे बाबत एक पंखा उतार के तो दूजा पहनना, फिर की किया जाए ये असल के जी यह जी कोई ख्याल नहीं है ना सिख रहे तुम रहा यह कोई गल नहीं हो जी भी थोड़ा कशहरे का पहुंचा लै गया दूजा खंडन हो गया। तुम अरदास करते हो ना अरदास क्लीयर लिखी है सिख जो आप अरदास करते हैं ना उसे सिखा सिखी जान केस दान ककार साढ़े पांच ने और उसे केवल केसा की मांग आँगी है ना कृपान की मांग आँगी ना कड़े की ना कशहरे की इन्होंने चीज़ों की मांग नहीं आँगी क्योंकि इको ककार आ जोड़ा रब तो असं लैके आए केस बाकी ककार असं दुनिया तो लो आ जरा कड़ा वा वह लोहे का बनया कंगा लकड़ का बनया कशहरा कपड़े का बनया वा श्री साहब लोहे की बनी है। हुण तुसीं इह मैं पिछे दे बगला साहब तो लाई भी कथा दे विच विचार दिते सी कि पुरातन समय अंदर जदों भी किसी सिखी तो खारज करना सी इह नहीं सी कहिंदे वी कृपान ला दे सिखी सिखी तो पत धो लिया इहदे तो कड़ा दूर कर दिओ इह तो कंगा दूर कर दिओ इह नहीं कहिंदे कहिंदे इहदे केस कतल करो। तुसीं पुराने भाई तारू सिंह बारे इह भी लिखिआ मिलदा वी इहदी कृपान ला दे इह सिखी तो खारज हो गया इहदा कड़ा ला दे सिखी तो खारज हो गया। मैं एक विचार दिता सी कि जे किते असीं अपने जिहड़े कौम के खिडारी उन्होंने यह गल समझाई होंगी दारा सिंह से किसी समय वर्ल्ड चो रिकॉर्ड रहा भी उन्होंने को ढा नहीं सकता जो उन्हें गल समझाई होंगी कि जो तू कल भोलना है उस वक्त जो तुम अपने तन तो कृपान लाने भी पै जाए तन तो कड़ा लाने भी पै जाए भोलन तो बाद फिर तू ककार तन पर पाला तो दुनिया पर तुम्हारी पहचान होनी सी भी सिख पहलवान भी होंगे ने। तो पिछले भी एक बाबे ने कहा भी जो कृपाना लाते इन्होंने अमृत भंग हो जाते हैं पर बाहरलियां कंट्रिया जो बाबे प्रचारक जाते हैं 30-35 घंटे तन के उपर श्री साहब नहीं होंगी इतों घरों ही ला के कोई चेता भुल जाता वो घरों ही पाल जरा जरा बैग जमा करवा पा ना वो श्री साहब वे रख लेंगे आते घरों ही होना तुरे अमृतसरों आते फ्लाइट दिल्लियों आते अगले दिन सवेरे आ 35-40 घंटे शरीर से श्री साहब नहीं होगी जाके उत्थे जाके जदों एयरपोर्ट तो बाहर निकलनी आ उस जाके घर जाके स्नान करके उन्होंने कृपान पाउनी आ उदों कित्थे जांदा है। यह गल मैं विचार दित्ती सी भी खंडे की पौल जदों सानूं छकाई जांदी है उस वक्त दस्सिया जांदा भी केसां दी बेदबी नहीं करनी पर बाकी ककार जे कितें साडे तन तों कितें जुदा हो भी गया तो इस गल का भरम असीं नहीं करना कि साडा अमृत भंग हो गया है। यह भरम साढ़े मन में बहुत वड्डे पाए हुए हैं जिन्होंने साढ़े अंदरों कलन की लड़ वा। तो कशहरा यह गल छो तुम एक कोई बंदा चढ़ाई करता मैं एक दिन देखिया एक बंदा वो तेड़ कशहरा पाया तो नाल एक लात ने बदा वह संस्कार कर लगे एक संपर्दा साड़ी उदा की तो अभी पुछ बैठे लागे बंदे भी ये नाल कोई बदा केंद्र अगे जाके स्नान नहीं करना इन्हें भी अगे जाके इन्हें स्नान करना तुम देख लो कि जरा तेड़ पाया वह ना जाना ये तो कख नहीं जाना मतलब वहम पाते साडे मन के इस करके भाई जे कोई तंतु होगा ककार जुदा हो जाए तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो बेशक यूट्यूब से चढ़ दो मैं बंगला साहब तो भी गल बोली सी एक चार ककार ने केसा तो सवाए जे वाहद्या कंघा पासे रह गया साडे को कृपान 10 मिनट पासे रह गई तो खंडे की अमर साडा भंग कोई नहीं होगा यह कोई मजाक नहीं है भी उठे गया तो टुट गया उठे गया तो टुट गया तुहाडी जीवन शैली आ तुहाडी विचार आ तुहाडी सुरत आ जे गल्लां खिडारियों नूं समझाईआं हुंदियां शायद हरभजन सिंह ते नवजोत सिंह सिद्धू खंडे की पौल वाले अमृतधारी होने से पर असी यह सिखी उन्होंने समझा नहीं सके इस करके कोई भी खिलाड़ी साडा अज अमृतधारी कौम नहीं है। हाँ जी सवाल है जी बेटी होने बार बार बेनती की कि अखीर पहले जिक्र होता है अमृतसर जी के दर्शन स्नान दर्शन स्नान साध संगत जी जो गुरबाणी का मत लैके अपने
ਬੋਸ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਫਾ ਦਿੱਤੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਪੜ ਹੋਏ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਲੇ ਹੋਏ ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸਾਹ ਇਸ ਉਤੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਮੰਜੀ ਜੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਸ਼ਾਨ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਗਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਜੀ ਸੁਣਾ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਪ ਹੈ ਪੰਥਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਚੁੱਕੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਰੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਾਪੇ ਗੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਸ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਆਪਣੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਚੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੌਮ ਉਸ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਆਤਮਕ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕੌਮ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੱਜ ਮੁਸੀਬਤ ਅਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਰਹੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਚਾਰੋ ਔਰ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰੀਏ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਰ ਸਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਜਕਾਰੇ 'ਚ ਕੋਲੇ ਛੱਡਦੇ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਆ। ਆਓ, ਲੰਗਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਬਣੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਡੀਆਂ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੀਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਓ। ਸੀਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸੀਡੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਸੀਡੀ ਹੈ 40 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਸੀਡੀ ਹੈ ਔਰ ਕੇਵਲ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲੇ, ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 13 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹਨ, ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਈਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ